तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिस्ट्री मॉडल पेपर के बारे में। तो आज की इस वीडियो को आपको पूरी देखना क्योंकि ये पिछले साल का पूरा मॉडल पेपर है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट, यानी किस यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है। तो मैं आपको बता दूँ ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कुछ ही डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं और एक ही जैसा सिलेबस होता है, क्वेश्चन भी उसी तरह आते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है बस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए क्वेश्चन, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत बताना है, जो भी भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, उनको आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना है, अथवा करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा दूसरा कि सिंधु सभ्यता के नगर योजना पर टिप्पणी लिखिए। तो जो भी आपको जिसके बारे में डीप नॉलेज हो उसके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है, इनमें से दो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अशोक के धर्म पर लेख लिखिए, अथवा करके दूसरा ऑप्शन है मगध राज्य के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो अशोक के धर्म पर लेख लिखना है, ठीक है, उसके बाद अथवा करके मगध राज्य के उदय के कारणों को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है, आपने जो सीरीज खरीदी है क्वेश्चन बैंक, उसमें मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा, अदरवाइज गूगल पर तो मिल ही जाएगा, वहाँ से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। तो जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज, उसके बारे में आंसर लिखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में इसका आंसर आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां का वर्णन कीजिए। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां का वर्णन करना है, उसके बाद अथवा करके दूसरा भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, देखते हैं कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पुष्पमित्र सुंग की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो पुष्यमित्र की सुंग की उपलब्धियों का वर्णन करना है, तो इसके बारे में आपको लिखना है क्योंकि जो भी आंसर लिखिएगा थोड़ा लॉन्ग में लिखिएगा क्योंकि एग्जामिनर ये चेक करता है कि क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग है ना, तो इनका आंसर भी अच्छे से आप लोगों को लिखना है, तभी एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियाँ क्या है, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया, उसका लेखा जोखा आप लोगों को लिखना है, ठीक है, अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो गुप्त वंश के जो प्रारंभिक इतिहास है उन पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये है कि राजपूत राज्यों के पतन के उत्तरदायी तत्वों पर लेख लिखिए। तो राजपूत राज्यों के जो पतन उत्तरदायी तत्व हैं, ठीक है, उनको आप लोगों को लिखना, अथवा करके आपको दूसरा क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो जो चोल वंश था, ठीक है, चोल प्रशासन की क्या मुख्य विशेषता थी, क्या मुख्य फीचर्स थे, उसी का आप लोगों को लिखना है पॉइंट वाइज करके, ठीक है। तो आप, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। तो आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएं, क्वेश्चन चेंज का मतलब ये कि आपके क्वेश्चन में, आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है 6-7 क्वेश्चन हो जाएं, लेकिन कोई कोई यूनिवर्सिटी में 5 ही क्वेश्चन, जैसे कि ये मॉडल पेपर है तो इसमें 5 ही क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग होते हैं तो लॉन्ग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस 6-7 से ज़्यादा नहीं होते हैं, ओके। तो सारे क्वेश्चन आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन करिएगा, बाद में उसे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का जो भी मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वेबसाइट पे अपने डाल दिए हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और हिंदी का जो, जिन लोगों का मॉडल पेपर चाहिए तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और फिलहाल मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।